गांव ढाबी कला में दादी गौरी मंदिर पर विशाल जागरण का हुआ आयोजन। गांव ढाबी कला में खाबड़ा कला रोड स्थित दादी गौरी मंदिर पर शुक्रवार को विशाल जागरण का आयोजन किया गया। भादव माह की नवमी को यहां दादी गौरी मंदिर में हर वर्ष विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जहाँ उन्होंने पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। मंदिर पुजारी लीलाधर शर्मा ने विधिवत रूप से सभी को पूजा अर्चना में शामिल कर आरती करवाई। मंदिर कमेटी संचालक विजेंद्र सिंह पुनिया ने बताया कि मेले व विशाल जागरण में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर कमेटी द्वारा खीर प्रसाद का वितरण किया गया है। इस दौरान आयोजित दादी गौरी मैया के छठे विशाल जागरण में गायक कलाकार सुदेश, सुरेश कुमार, रामपाल, सुमन जाखड़, किरण माजरा व संतोष ने धार्मिक भजनों की शानदार प्रस्तुति देकर उपस्थित जन को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं यहां विशेष आमंत्रित कलाकारों ने अपने मनमोहक अंदाज में नृत्य की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर सरपंच बलवंत कुमार, विजेंद्र पूनिया, बंसीलाल विजय सिंह भाखर, मुकेश जाखड़ उर्फ गोपी, बंसीलाल नेहरा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी द्वारा भट्टू कलां के अग्रवाल धर्मशाला में एक सम्मान समारोह का होगा आयोजन, जिसमें प्रदेश स्तरीय नेता अशोक तंवर शिरकत करेंगे। भट्टू कलां के यहां अग्रवाल धर्मशाला में आम आदमी पार्टी द्वारा शनिवार 9 सितंबर को 3 बजे एक विशाल बैठक का आयोजन करके यहां सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मान समारोह में मुख्य वक्ता के तौर पर प्रदेश स्तरीय नेता अशोक तंवर विशेष रूप से भाग लेंगे और यहां पर उपस्थित जन को संबोधित करेंगे। इस दौरान यहां अशोक तंवर जहां कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहीं ये समाज सेवा व अन्य कार्यों से जुड़े लोगों को जिनका कार्य सराहनीय रहा उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए शुक्रवार को लक्ष्य गर्ग, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस बारे विस्तार से हमें जानकारी दी। यहां भट्टू कलां में उनके द्वारा की गई प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। आम आदमी पार्टी के नेता लक्ष्य गर्ग जी हैं, ये विशेष जानकारी देंगे। लक्ष्य जी क्या बताना चाहते हैं? नमस्कार जी, आज यहाँ भट्टू में मेरे साथ रोहतास गायक में ब्लॉक अध्यक्ष हैं नरेश गोयल जी, अपने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता विकास भाई अपने सोशल मीडिया के जिला अध्यक्ष हैं, और वर्मा जी और रोहतास वाल्मीकि सभी साथी मौजूद है। और मुख्य तौर पर आज का हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि कल भट्टू मंडी के अंदर अग्रवाल धर्मशाला के अंदर 3 बजे डॉक्टर अशोक तंवर जी, जो हमारे कैंपेन कमेटी के हरियाणा के चेयरमैन है, वो पहुंच रहे हैं और एक आम आदमी सम्मान समारोह हमने आयोजित किया है भट्टू मंडी अग्रवाल धर्मशाला के अंदर। इसमें पहले तो हम उन कुछ जो ग्राउंड वर्कर है, जो लोगों के लिए बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी शामिल शौकत के लोगों के लिए ग्राउंड पे काम करते हैं, चुपचाप जो लोगों के लिए कई सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे कुछ साथियों को हम सम्मानित करेंगे। और उसके बाद जो बिजली आंदोलन जो पूरे हरियाणा के अंदर चला है, जिसको लोगों का भरपूर समर्थन मिला है, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी। और आम आदमी पार्टी में कई नए चेहरों का भी आगमन कल होगा, तो उन्हीं सब विषयों के ऊपर कल डॉक्टर अशोक तंवर जी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जो हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है। कल 3 बजे अग्रवाल धर्मशाला के अंदर प्रोग्राम है, तो सभी आप लोगों से भी मेरा निवेदन अब आप पहुंचे, क्योंकि आम आदमी पार्टी है जो हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर आज काम की राजनीति कर रही है, मुद्दे की राजनीति कर रही है। आज जिस तरीके से हरियाणा के अंदर महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है और जाति धर्म के नाम से दंगे हो रहे हैं, जो कि हमारा एक शांतिपूर्ण इलाका था, और आज हमारे फतेहाबाद एरिया के अंदर भी चिट्ठा और नशा और क्राइम भरपूर मात्रा में बढ़ चुका है, जिसके सरकार की कोई लगाम नहीं है। तो इन चोरियां हमारे क्षेत्र के अंदर इतनी बढ़ गई है, तो इन सब मुद्दों को लेकर वहाँ पर चर्चा होगी और आम आदमी पार्टी के भी सभी कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठा होंगे, भट्टू ब्लॉक के भी सारे कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठा होंगे, और आने वाली राजनीति को लेकर भी वहाँ पर चर्चा होगी कि किस तरीके से मुद्दों की राजनीति को छोड़कर जो रवायती पार्टी है वो जाति धर्म की राजनीति से हमें बढ़ा के हमारी वोट ले लेती है, और उसके बाद महंगाई बेरोजगारी जैसी मुख्य समस्याएं हैं जो बढ़ गई है, तो इन सब मुद्दों के ऊपर वहाँ चर्चा होगी। एक सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे हिस्सा लेंगे, तो आप सबसे मेरा निवेदन है मीडिया बंदियों के द्वारा भट्टू मंडी के आसपास के इलाकों के सभी लोगों से मेरा निवेदन है,
आपकी नई राजनीति की शुरुआत में आप लोग कौन से और खुद भी आप भी बताए हमें कि आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। जय हिंद। गांव ढिंगसरा से गायब व्यक्ति के नहर किनारे मिले कपड़े, पुलिस ने गुमशुदगी का किया मामला दर्ज। गांव ढिंगसरा से गायब व्यक्ति के नहर किनारे कपड़े मिलने पर उसकी पत्नी ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को मिली जानकारी अनुसार पुलिस को दी शिकायत में ढिंगसरा से गायब हुए पवन कुमार की पत्नी कविता निवासी ढिंगसरा ने बताया कि उसकी 3 लड़कियां हैं। उसकी शादी पवन कुमार से 6 साल पहले हुई थी। दिनांक 6 सितंबर को उसका पति समय करीब 9 बजे रात को घर से बिना बताए कहीं चला गया था। दिनांक 7 सितंबर को पवन के कपड़े फतेहाबाद ब्रांच नहर के नज़दीक पुल भट्टुकला की पटरी पर मिले। उसने पुलिस से गुहार लगाई है कि इस संबंध में जांच कर उसके पति की तलाश की जाए। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक उक्त गायब व्यक्ति का कोई सुराग नहीं लगा है।